जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ द मील में। अब सबसे खास वजह यहाँ आने की, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक ऐसी डिश सुनने मिली मेरी लाइफ में पहली बार, ब्लैक पाव भाजी। आप सभी ने रेड पाव भाजी खाए होंगे, तो मेरे सामने जो ये डिश रखी है ये ब्लैक पाव भाजी है। और अगर मैं आपको बताऊँ द मील में ब्लैक पाव भाजी की इतने वेराइटीज है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो मेन्यू चल रहा है। ब्लैक सिग्नेचर तड़ी पाव भाजी, ब्लैक चीज पाव भाजी, फिर स्मोक पा देसी घी पाव भाजी, स्मोक्ड देसी घी पाव भाजी, इतने वेरिटी है सिर्फ ब्लैक पाव भाजी में। अभी आप रेड पाव भाजी की बात करेंगे तो वो रेड पाव भाजी भी यहाँ मिलती है। मैं पर्सनली पहली बार लाइव ब्लैक पाव भाजी टेस्ट करूँगा, और हमारे व्यूअर जो भी ये वीडियो देख के आएंगे उनको द मील की तरफ से ये जो प्यारे प्यारे शॉर्ट्स मिल दिख रहे हैं वो भी मिलेंगे। तो मैं आपके सामने पहली बार ब्लैक पाव भाजी टेस्ट करूंगा, और अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ आपको मसाला पाव मिल जाएगा। मसाला पाव में भी बहुत वेरायटी है, कोथमीर मसाला पाव, तवा पुलाव मिल जाएगा यहाँ। यहाँ आपको पिज्ज़ा मिल जाएगा, सैंडविच मिल जाएगा, गार्लिक ब्रेड, मैगी, फ्राइज, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो द मील में आप ज़रूर आइए, और सबसे पहले आप ब्लैक पाव भाजी ट्राई कीजिए, जो कि मैं भी कर रहा हूँ। ऑफकोर्स नॉर्मल पाव भाजी से काफ़ी डिफरेंट है। और ब्लैक पाव भाजी होती क्या है एग्जैक्टली? मेरे साथ आपका नाम सर? राम। राम जी है। ब्लैक पाव भाजी ऑर्गेनिक मसाला है टोटल, इसमें ना कलर यूज होता है, एकदम डिफरेंट अलग टाइप के पाव भाजी है। पूरा मतलब ऑर्गेनिक से? टोटल ऑर्गेनिक। रेड पाव भाजी जो रहती है उसमें मसाला यूज कलर नहीं यूज होता है। हमारे पाव भाजी में कलर नहीं यूज है, कलर नहीं यूज होता है। हाँ, ब्लैक पाव भाजी की आप मुझे खासियत बताइए। ब्लैक पाव भाजी टोटल ऑर्गेनिक मसालेज है, टोटल गाउटर है ब्लैक में। उसमें स्पेशल मसाला एक गार्लिक बटर चटनी का तड़का आता है। दूसरा है डाइटिंग के लिए सुरती पाव भाजी। अच्छा, डाइटिंग के लिए सुरती पाव भाजी। अच्छा, वो बटर की जगह ऑलिव ऑयल में सर्व करते हैं। अरे वाह। और एक देसी घी पाव भाजी है, ये जो मैं खा रहा हूँ ये स्मोक पाव भाजी, स्मोक देसी घी। दोस्तों स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हो जिसमें आपको एक स्मोक दिख रहा होगा, तो स्मोक पाव भाजी भी यहाँ की काफी फेमस है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला यहाँ हरियाली पाव भाजी भी मिलती है। तो इतने सारे वेराइटीज़ है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार, और स्पेशल शॉर्ट्स भी दिया जाएगा इनकी तरफ से। मेन्यू पूरा स्क्रीन पर चल ही रहा है, मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स एड्रेस पूरी चीज़ चला दूंगा, तो आपको आसानी रहेगी। तो देरी क्या है, अगर आपने कभी पाव भाजी खाई है तो ज़रूर आप रेड पाव भाजी तो खाए होंगे, ब्लैक पाव भाजी खाने एक बार आप ज़रूर द मील आए। मैं अगर लोकेशन बता दूँ तो मूवी मैक्स के सामने ही है, कनकिया रोड के पास। तो देरी क्या है, ब्लैक पाव भाजी टेस्ट करने आ जाइए द मील। ब्लैक पाव भाजी नहीं भी खानी है तो इधर बहुत सारे वेरायटी है, जैसे कि मैंने बताया था शुरुआत में, मसाला पाव में काफ़ी वेरायटी है, तवा पुलाव में है, पिज्ज़ा, ग्रिल सैंडविच, और जैसे कि मुझे राम भाई ने बताया कि हम क्वालिटी मेंटेन रखते हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ताकि जो भी कस्टमर हमारे यहाँ कोई भी चीज़ खाए वो हेल्थी महसूस करे, उसको कुछ हेल्थ में नुकसान ना हो। डिटेल स्क्रीन पर चल रही है, और मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा क्योंकि मैंने ब्लैक पाव भाजी आपके सामने टेस्ट किया हूं, तो ये ब्लैक पाव भाजी एक बार आप ज़रूर आके टेस्ट करें। कुछ और करें ना करें, ब्लैक पाव भाजी पक्का टेस्ट करें। अंत में मैं बस आप सबसे यही कहूँगा, भगवान ईश्वर गौडल्ला आप सबको सलामत रखे, आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।